आप सभी को आने वाली होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस होली को कलरफुल बनाने के लिए आज हम बनाएंगे बहुत ही कलरफुल मिठाई, और इसके साथ ही मैं कलरफुल गुजिया की रेसिपी भी आपको शेयर कर दूंगी। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। स्वागत है आप सभी का सिमीज मैजिक किचन में। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली और उसमें 1.5 कप दूध को गाढ़ा करके 1 कप कर लिया है और उसे ले लिया। इस दूध में मैंने 1/2 कप शक्कर ले ली। अब इसे दूध में डाल के और दूध को तब तक चलाएंगे जब तक कि ये शक्कर मेल्ट ना हो जाए। इसे थोड़ी देर चलाने के बाद अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सूखा मिल्क पाउडर और इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मैंने 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर इसमें ले लिया है। मैं इसे अलग अलग इसलिए डाल रही हूँ ताकि इसमें लम्प्स ना आए। इसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी डेसिकेटेड कोकोनट। इससे इस मिठाई का स्वाद बिल्कुल दोगुना हो जाता है और दूध बहुत जल्दी गाढ़ा भी हो जाता है। मैंने टोटल इसमें 1 कप के करीब कोकोनट पाउडर ले लिया है। एक्चुअली डेसिकेटेड कोकोनट या कोकोनट पाउडर बोलिए, दोनों सेम ही होता है। अब इसे मिक्स करके अब इसे थोड़ी देर तक पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। कोकोनट पाउडर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बहुत इंस्टेंट मिठाई बनाने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और इसमें ज़्यादा दूध को गाढ़ा भी नहीं करना पड़ता। जब ये कढ़ाई को थोड़ा छोड़ने लगे, ये देखिए, तो समझ लीजिए कि ये बिल्कुल हो चुका है। अब इसे थोड़ा मिक्स करके और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं 3 पार्ट में कर लूँगी। एक पार्ट में मैं पिंक कलर का फूड कलर लेके उसे मिक्स कर लूँगी। उसे प्रॉपरली मिक्स कर लीजिए, फूड कलर खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कभी कभी तो हम खा ही सकते हैं। दूसरे पार्ट में मैं ग्रीन कलर ले लूँगी और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब मैंने एक पार्चमेंट पेपर ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और उसमें थोड़ा ऑयल लगा दीजिए। और जो तीसरा पार्ट था यानी कि वाइट पार्ट, उसको मैंने इस पर फैला दिया और उसके ऊपर जो पिंक कलर का पार्ट है उसको भी फैला देंगे। ये बिल्कुल चारों तरफ से बराबर कर दीजिए और उसके ऊपर अब हम डालेंगे ग्रीन कलर वाला पार्ट। इसे भी अच्छी तरह फैला देंगे, ये भी चारों तरफ से फैला के और इसे इक्वल कर दीजिए। आप इसको जितना प्रॉपरली करेंगे शेप और कलर उतने ही अच्छे और खिल के आएंगे। मैंने इसे भी फैला दिया अच्छी तरह। अब इसके ऊपर हम डालेंगे एक और पार्चमेंट पेपर जिसमें मैंने तेल लगा के ऑलरेडी रखा हुआ था, वो इसके ऊपर से डाल देंगे और उसे थोड़ा सा बेलन से या रोलिंग पिन से थोड़ा सा हल्का सा उसे फैला देंगे। और अब उसे मैं रोल कर लेती हूँ, एक प्रॉपर रोल तैयार कर लेंगे। और तैयार करके इसको प्रॉपरली एक रोल बना के इसे 2-3 घंटे फ्रिज में रख दीजिए। 2-3 घंटे बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाला है। अब इसे मैं पीसेस में कट करूँगी। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है और बिल्कुल तीनों कलर अच्छी तरह दिख रहे हैं। अब सारे पीसेस को मैंने एक ट्रे में निकाल लिया और उसे ब्लैक किशमिश से डेकोरेट करके और उसे गार्निश कर दिया। देखिए लग रहा है ना बिल्कुल होली के रंगों जैसा, फुल ऑफ कलर्स। होली को इस कलरफुल मिठाई के साथ सेलिब्रेट करिए। अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करिए, और हाँ लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।